द्वार बोलियो कर सकते हो। आप क्या बोलना चाहोगे इनके बारे में, जैसे आज महफिल जम रही हैं, कुछ बोलना चाहोगे? हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल मिशन बी सलूजा व्लॉग्स। तो गुड मॉर्निंग, आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है। सुबह के बज रहे हैं 8:35, 8:35 हो रहे हैं, 8:35 हो रहे हैं सवेर दे। तो और आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे एकदम। शिवानी भी उठ चुकी है फाइनली, शिवानी बना रही है मेरे लिए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। ऊँची बोल लो नंदन। गुड मॉर्निंग गाइस। और ऊँची बोलो। बर्तन मांज रही, बर्तन है ही नहीं। खैर एक फ्राई पैन है जो मांज रही है, तो मेरे लिए बनने वाली है चाय, है ना? तो आपको एक बंदे से मिलवाता हूँ मैं। हेलो गाइस, और सब ठीक होंगे? तो मम्मा कल आ गए थे, कल हम ब्लॉग नहीं बनाए थे, तो मम्मा कल आए हैं। तो मैं क्या, चलो मम्मा से मिलवा देता हूँ, क्योंकि कल हमारे पास टाइम नहीं था ब्लॉग बनाने का। और आज भी खैर मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ गाइस, आज मेरे को अभी चले जाना है एकेडमी, फिर मैं आऊँगा शाम को। और मैं क्या, चलो जितना बनता मैं बना लूँ ब्लॉग, है ना? नहीं बुगड़ी, इसने रात को इतना परेशान करा गाइस, इतना परेशान करा, पूरी तोप चलाई है इसने रात को। मैं इधर सोना दुश्वार हो गया। अरे मजाक कर रहा था, अरे मजाक, अरे अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं मजे ले रहा हूँ, अरे मजे ले रहा था। तो चलो गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो फाइनली मैं रेडी हो चुका हूँ, सुबह के बज रहे हैं 10 और मैं बहुत जल्दी में हूँ, रेडी होकर बैठा हूँ। तो गाइस मैंने नाश्ते में खाया है माइक्रोनी, देखो मम्मा भी खा रहे हैं, मम्मा आराम से लगे हुए हैं। और ये खा रही नाश्ते में पपीता, क्योंकि डाइटिंग पे चल रही है, जब तक इसका मन है तब तक। तो मैं एक भाई खा चुका हूँ, मैं बहुत जल्दी में हूँ। तो गाइस मैं निकल रहा हूँ अकेडमी, फिर मैं आके मिलता हूँ आपसे 4 बजे लगभग, मेरे को आज बहुत सारा काम है। तो फिर उसके बाद ब्लॉग आगे कंटिन्यू होगा ना। जब तक सलामत रहें, सतर्क रहें, जय। तो गाइस कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो फाइनली मैं घर आ चुका हूँ, दोपहर के बज रहे हैं 3:30। यार बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी है गाइस, दिल्ली में अभी 45 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, आप मानोगे। अभी मैं आया हूँ, ऐसे लग रहा था जैसे ना हाथ मुँह ऐसे लग रहा था हवा में जैसे जल जाएंगे, इतनी तगड़ी लू चल रही है, हाथ खराब होगी गाइस। जो दिल्ली में रहते होंगे ना उनको पता ही होगा क्या हाल हो रहा है दिल्ली का। तो चलो मैं घर पहुँच गया हूँ, देखते हैं शिवानी मम्मी क्या कर रहे हैं। यार भूख भी बहुत तेज़ लग रही है, मैंने खाना भी नहीं खाया, 3:30 हो चुका ऑलरेडी, तो खाना भी खाना है यार, बहुत तेज़ भूख लग रही है। तो गाइस देखो ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे थे तुम? खाना खा लिया? हेलो, क्या हाल चाल है? मेरे को तो लग रहा है कि दोनों सो रहे थे। मैं नहीं सो रहे थे। और ऐसे शक्ला तो है, शक्लों से ऐसे लग रहा है जैसे अभी सो के उठे हों। और क्या, ऐसी होती है, खुली नहीं होती, आंखें बंद होती है। तो चलो गाइस मैं खाना खा, तो खाने से की बनाया ओए, ओ हैं कोफ्ता, तो तुम खुद ही हो ना, मैं क्या कोफ्ता तो तुम खुद ही हो, हैं तुम खुद ही कोफ्ते ऐसे हो, तो अपने ऐसी सब्जी भी बना ली तुमने, हैं। तो गाइस यहाँ पे चल रहा है इन लोगों का लंच। तो गाइस क्योंकि मैं खा रहे मलाई कोफ्ते, तनाल रोटी, तनाल हरी चटनी, भूख बहुत तेज लग रही थी, आनंद आ रहा है रोटी का, भूख बहुत तेज लग रही थी, तो ना ब्लॉग बनाने का भी वेट नहीं हुआ, मैं कहा पहले मैं रोटी खा लूं थोड़ी सी, मेरे को बहुत तेज भूख लग रही, क्योंकि 4 बज चुके हैं अभी, आए ना क्लास से एकेडमी, लेट हो गया था ना। तो गाइस बनता हूँ मैं खाना खा कर। हेलो गाइस, तो शाम के बज रहे हैं 5:30, मैं क्लास ले रहा था, बीच में उठ के आया हूँ, और इधर इंजॉय चल रहे हैं ग्रीन टी के, अपने सारे अपने अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग जो पी सकते हैं वो वाली टी पी रहे हैं। मम्मा पी रहे हैं ग्रीन टी, है ना मम्मा? ग्रीन टी पी रहे हैं। शिवानी कौन सी टी पी रही है? टीवी कम ऊंची चला रही, इतनी ऊंची टीवी चला रखा तुमने, देख लो गाइस कितने बड़े बड़े कप ले रखे हैं इन्होंने, पर आज शिवानी के पास उसके अकॉर्डिंग छोटा कप आ गया। अच्छा आज उसका कप मम्मा ने ले लिया ना, इसलिए
इसलिए शिवानी का कपड़ा छोटा हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, परेशान मत हो, एक कप और भर लेना, कोई बात नहीं। तो गाइस तो चलो चाय एंजॉय कर लेते हैं, मैं तो ले लेता क्लास फिर मस्त। आप ये बताओ मैंने क्या पिया है। तो गाइस मैंने पिया कोल्ड कॉफ़ी, वो भी जो मम्मा के पास है ना, वो बड़ा वाला मग्गा भर के मैंने कोल्ड कॉफ़ी का पिया है। तो मैं पी चुका हूँ, उनकी बारी है। तो चलो ये अपना चाय वगैरह पी लेते हैं अभी यार। एक्चुअली आज हमें मार्ट भी जाना पड़ेगा, तो क्योंकि घर का राशन खत्म हो रहा है तो मार्ट लेके आएंगे। हेलो गाइस, सो फाइनली मेरी क्लासेस वगैरह फिनिश हो चुके हैं, तो मैं छत पे आ गया था टहलने। और वही कि यार ये हमारा छोटा भाई, ये देखो यहाँ पे औरतों की महफिल जम रही है, आपस में भर भर के चुगलियाँ कर रहे हैं। ये शिवानी जिम कर रही थी। शिवानी आप क्या बोलना चाहोगे इनके बारे में, जैसे आज महफिल जम रही है, कुछ बोलना चाहोगे? हेलो गाइस, हाँ बढ़िया है हमारे। मैं पूछा ही नहीं कितना। हाय, तो हाय बोलिए। आप कुछ कहना चाहते हो? बस चलो गाइस, हाय हेलो के अलावा अभी कुछ कोई बोलने के मूड में नहीं है। सब हाय बोलते हैं बस। क्या मैं क्या सब हाय बोलते हैं बस? तुसी बोलने में मूड चाहिए क्या? असि सारे है क्या? नहीं तुसी है क्या? चलो तो गाइस मम्मा कुछ बोलना चाहते हैं, चलो बोलो बोलो। कैसे बोलूंगी? देखो आप बोल नहीं रहे, फिर आप शर्मा आ जाते हो, पहले कहते हो बोलना है। नहीं नीचे बोल देंगे। नहीं चलो गाइस कोई नहीं, नीचे आके बोलते हैं थोड़ा सा, अभी मम्मा यहाँ पे शर्मा रहे हैं। हेलो गाइस, तो हम रात के बज रहे 9, तो हम राशन लेके आ गए हैं, राशन सारा खत्म हो रहा था, तो शिवानी डाल दिया सारा राशन डिब्बियों में। वैसे उसके बस में कुछ है नहीं, पर चलो मैं कोई नहीं कर लो काम है। मैं ठल्ली नहीं गाइस, सारा सामान पता है ये बाइक पे अपनी गोद में रखकर बैठी, इतना सारा सामान इसके बेचारे की टांग भी दर्द होने लगी, इसकी टांग भी टूट गई है ना। मेरी टांग नहीं टूट गई, बस ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करो, ज्यादा ओवर एक्टिंग नहीं आती इसको। मम्मी टंगा टूट गई है मेरी। बोलियो 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 गाइस, देखो पंजाबी बोलेगी मेरी वाइफ, बोलियो टंगा टूट गई है। की हुंदा है मम्मी मेरी टंगा टूट गई है। टंगा तेरे तोड़नी है, टंगा तेरी तोड़ने जैसे मैं कर सकता है, तेरे ते थोड़े बस की और तो कुछ है होया गए नहीं। दोबारा बोलियो, तुसी यही कर सकते हो। अगो अगो मैं तो कुछ आंदा नहीं है। गाइस ये मुझे पंजाबी कैसे लगती है कमेंट में जरूर बताना। ते तो मैनु और कोई उम्मीद भी नहीं हैगी हैं, ते तो मैनु कोई उम्मीद भी नहीं हैगी, तो मेरे कोई बाली उम्मीद नहीं है। ठीक है, उच्ची बोलो यार, तू मेरा खून पीता पाया सी, खून तो तू पी के रखा हुआ है मेरा, ठीक है 24 घंटे, ना खाना देना टाइम पे, ना कुछ पूछना अपने में, मत रहना ना कोई बातचीत ना कुछ। आप बताती हूँ गाइस, मैंने इनको सुबह नाश्ते में चाय, सुबह सॉरी नाश्ते से पहले मैंने इनको दी चाय, उसके साथ बिस्किट नमकीन, ठीक है, उसके बाद में नाश्ते में दी मैक्रोनी, नाश्ते में पहले ये डिसाइड करो कि नाश्ते में चाय नमकीन बिस्किट दिया था या नाश्ते में मैक्रोनी, पहले ये डिसाइड कर लो। तुम उठते ही चाय दी थी, उसके बाद नहीं तूने बोला कि नाश्ते में दी, बोलने दो, नाश्ते में मैक्रोनी दी, ठीक है, उसके बाद इन्होंने वहाँ पे खाई बिरयानी, वो चिकन बिरयानी, उसके बाद घर आके इन्होंने खाई रोटी कोफ्ते के साथ, उसके बाद इनको मैंने कोल्ड कॉफी बना के दी, उसके बाद मैंगो शेक बना के दिया। इतना ठूस के आदमी जाएगा कहाँ, पूछो जाना क्या गाइस, हटोगे अगर मैं ये ठूस सकती तो मैं नहीं ठूस सकता, बताओ। और क्या अगले बोलेंगे कि वाइफ इतनी हट्टी खट्टी है और बंदा दुबला सा है, तो मेरा तो खाना मत है ना, कल को लोग मेरे पे तो नहीं, कल को लोग तुम्हारे पे उंगली उठाएंगे कि घर का सारा सामान तू खा लेती, पति को ना खिला सकती। पति है चूहा सा, हाँ तो तू तो है, आगे बोलने की जरूरत है ना गाइस, समझ जाएंगे कैसी करवा ली। गाइस देखो मैं कितनी मेहनत कर रही हूं पसीने, गाइस इससे पहले मुझे हिचकी आने वाली है, मुझे हिचकी इतनी तेज आती है कैमरा, इसको हिचकी गाइस इतनी तेज आती है, एक बार हम पार्क में गए इसने हिचकी मारी, घर सब पूरा पार्क इकट्ठा कर दे, इसने हिचकी मार बहुत इतनी तेज से हिचकी मारती है गाइस, मैं बता नहीं सकता, जब इसको हिचकी आते मैं तो उसको कहीं कोने में ले आता रोड रोड में भी, कोई सोनी ना ले, बस इतनी तेज हिचकी मेरे को लग रहा जानवर को भी नाती होगी इतनी तेज, तो है ना बैसिया। चलो कितनी मेहनत कर दी पसीने, हाँ तो पसीने तो मेरे को भी आए, देखो मैंने इससे ज्यादा मेहनत करी, मेरे को इससे ज्यादा पसीने आ रहे हैं, पसीने से मेहनत से नहीं पता चलता, पसीना मेरे को ज्यादा आता है,
क्योंकि मैं पानी ज्यादा पीता हूँ, तुम पानी कम पीते हो इसलिए तुम्हें पसीना कम होता है। बस रहने तो रहने दो, ठीक है, थोड़ी कम चला अपनी। हाँ जीरा सारा मुंह में ठूस दूंगा तुम्हारे। तो गाइस देखो हमारा राशन आ चुका, हमारा एक दो महीने निकल है, दो तो बंदे होते हैं, मम्मा है, तीन बंदे हो गए, हमारा राशन लगता कम ही है वैसे, है ना। एक बार ले दो महीने निकल जाते हैं आराम से। एक महीने लाते हैं, अब आपको लग रहा है ये एक बार राशन पूरा साल चल जाएगा इसके साथ रह के। लग रहा है आपको आधा राशन एक बार में निपटा दे, एक दिन में, एक दिन में आधा राशन निपटाने की हिम्मत रखते है ये। तो भाई मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि आपको एक आदमी के दिमाग में कमी लगती है कि नहीं? क्या आदमी के दिमाग में आपको कमी लगती है? तो गाइस देखो मेरे दिमाग में कमी तो लगेगी क्योंकि सारा तो ये खा देती है, सारा दिन तो ये खाती रहती है, मेरा दिमाग तो कमी क्या कमी तो होगी ना, नॉर्मल सी बात है। हाँ इसके पास एक्स्ट्रा ही होगा क्योंकि उसने मेरा भी खा रखा है ना। हाँ तो चलो ठीक है गाइस, गाइस इसी पढ़ पढ़ चलती रहेगी थोड़ी देर बाद में। गाइस तो रात के 11:30 बज चुके हैं, तो मैं क्लासेस से फ्री हो गया था, तो मैंने खाना खाया, वही दोपहर के कोफ्ते बचे हुए, तो वही बीवी ने खिला दिए। ये कह रही है कि कोफ्ते बचे हुए आपको ही ख़त्म करने पड़ेंगे। यहाँ पता क्या होता है, एक बार दिन में सब्जी बन गई, भैया मेरे को दो बारी में निपटाऊँ, मैं तीन बारी में निपटाऊँ, निपटानी मेरे को ये क्योंकि खुद तो ये डाइटिंग पे है और सब्जी इतनी सी बना नहीं सकते, सब्जी बना लेगी आधी आधी कढ़ाई भर के और ख़त्म, मेरे को करनी पड़ती है फिर तीन तीन बारी में, तीन तीन बारी मेरे को खिलानी पड़ती है सब्जी। वो तो आई मम्मा आए थे तो मैंने मम्मा को खिला दी, नहीं तो मेरे को खानी पड़ती सारी सब्जी। तो चलो हमने फाइनली जो भी था मैंने जैसे भी रूखी सूखी खा ली, मैंने जैसे परेशान होकर एक बार खा ली। कोफ्ते से रूखी सूखी होती है? हैं मलाई कोफ्ते से? हाँ। मेरे लिए रूखी सूखे मेरे को कोफ्ते इतने पसंद नहीं, मलाई पा के तो जान आ जाए। ऊपर से कोफ्ते जैसी बीवी मिलगी मेरे को बताओ, बस ये क्या मलाई कोफ्ता नहीं है, ये मसाले वाला कोफ्ता तड़के वाला, बिल्कुल इतना ही फर्क है बस। तो चलो गाइस रात के 11:30 बज रहे हैं, मेरे को भी नींद आ रही है, मैं थक गया बहुत ज़्यादा, तो मैं सोने जा रहा हूँ, सोने की तैयारी हो चुकी है, मम्मा भी नाइट सूट में रेडी हैं सोने के लिए। देखो कैसे स्मार्ट, देखो कैसे अमिताभ बच्चन बन के सो रहे हैं, बताओ बताओ अमिताभ बच्चन जैसे बन के सो रहे हैं, है ना। और इधर देख लो, इसमें कपड़े चेंज नहीं करने होते, ये जो कपड़े डाले हुए हैं वही रात को कोई यही कपड़े पहन के सो जाने हैं, फिर दो दिन बाद इसके कपड़े खराब हो जाते हैं, कपड़ों के रंग उड़ जाते हैं, फिर कहते हैं मेरे कपड़े खराब हो गए, नहीं ला के दो, फिर इनको नए ला के दो कपड़े। चलो गाइस मैं सोता हूँ यार, वो नींद आ रही, तो मिलते हैं फिर कल न्यू वीडियो और न्यू ब्लॉग के साथ। अल्लाह।